दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ज्योतिष चैनल एस्ट्रो पंडित अरुण भारद्वाज में। आज हम बात करने वाले हैं, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। किसी का बुरा न चाहने वाले, सबको खुश रखने वाले, सबका सहयोग करने वाले, माता पिता की सेवा करने वाले, इनके साथ बुरा क्यों होता है। आज हम आपको जो बात बताने वाले हैं उसके बाद आप समझेंगे, दुख सुख का जीवन में कोई महत्व नहीं है। आप दुख में भी मुस्कुराओगे और सुख में भी शांत और धैर्यवान रहोगे। तो शुरू करते हैं। यदि आप शिव भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आगे भी आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा सके। पहले बात करते हैं, आप सुख में अत्यधिक खुश और दुख में बहुत दुखी क्यों होते हैं। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है धर्म और धर्म ग्रंथों की अधूरी जानकारी। दूसरी बात, अच्छे लोगों को दुख क्यों मिलता है? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसका अच्छे से वर्णन किया है, जिसे हम आपको बहुत कम शब्दों में समझाने वाले हैं। अर्जुन समस्या होने पर हमेशा कृष्ण जी के पास जाते थे। एक दिन अर्जुन श्री कृष्ण के पास गए और बोले, मेरी समस्या का समाधान करें प्रभु। अच्छे लोग ही दुखी क्यों होते हैं? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, इंसान जो देखता और सोचता है वो सत्य नहीं होता है, क्योंकि उसे उस घटना के आगे का सत्य ज्ञात नहीं होता है। मनुष्य के पास हमेशा दो रास्ते होते हैं, ये उसके ऊपर निर्भर करता है वह क्या चुनता है। श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक गांव में दो आदमी रहते थे। एक व्यापारी था जो धर्म और नीति का पक्का था, भगवान की पूजा करता था, नित्य मंदिर जाता था, सुख दुख में भगवान पर अटूट विश्वास रखता था। दूसरा व्यक्ति बिल्कुल विपरीत था। वह मंदिर चप्पल और धन चुराने जाता था। उसे धर्म न्याय नीति पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं था। गांव में एक दिन तेज बारिश हो रही थी। उसने सोचा, यही सही समय है धन चुराने का। उसने मंदिर में जाकर धन और बाकी चीजें चुरा ली और वहां से खुशी खुशी निकल गया। पहला व्यक्ति मंदिर में पूजा करने के लिए गया। पुजारी ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। सब उसे चोर समझने लगे। ये देख वो बहुत दुखी हो गया और वहां से बचकर भाग गया। रास्ते में एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। उसे रास्ते में वह दूसरा व्यक्ति मिला। वह उसे देखकर क्रोधित हो गया और घर जाकर भगवान की सारी तस्वीर बाहर फेंक दी। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों यमराज के सामने खड़े थे। उसने यमराज से पूछा, मैंने हमेशा अच्छा किया, इसने हमेशा बुरा किया, फिर भी मेरे साथ हमेशा क्यों गलत होता रहा। यमराज बोले, जिस दिन तुम्हें चोट लगी उस दिन तुम्हारा अंतिम दिन था, तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी और इसका जीवन लंबा तथा राजयोग वाला था, जो एक धन की छोटी सी पोटली में बदल गया। भगवान तुम्हें किस रूप में क्या दे रहा है ये मनुष्य नहीं समझ पाता है। अच्छे कर्म भगवान कभी नज़रअंदाज नहीं करता है। आपको आपके कर्मों के फल किस रूप में भगवान देगा ये आप नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आपको धर्म और धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं होता है।